ये देखिए, ये रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो एबीपी न्यूज के पास है, देख रहे हैं आप, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है श्रीदेवी की। इस पर लिखा हुआ है नाम श्रीदेवी, बोनी कपूर, जेंडर फीमेल, नेशनलिटी इंडियन, पासपोर्ट नंबर इसमें मेंशन है और तारीख उनकी मरने की 24 फरवरी 2018 ड्यू टू, देख लीजिए आप, ड्यू टू एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, मतलब गलती से डूबने की वजह से। इसी वजह से हम कह रहे हैं, इसमें साफ किया गया कि कोई क्रिमिनल मोटिव नहीं था डूबने के पीछे, ड्यू टू एक्सीडेंटल ड्राउनिंग वजह बताया गया है। ये रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास, इस रिपोर्ट की कॉपी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। श्रीदेवी की मौत कैसे हुई, सुबह से ये सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ था और जिस तरीके से देरी हो रही थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने को लेकर, उसे लेकर सवाल और गहराता जा रहा था। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय लगातार सीधे दुबई से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, ये रिपोर्ट हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है मौत की वजह ड्यू टू एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, और क्योंकि डूबना भी वजह था मौत का, इसी वजह से इतना वक्त लगा इन फॉर्मेलिटीज को पूरा होने में कि कहीं कोई मोटिव क्रिमिनल तो नहीं है, आपराधिक मंशा तो नहीं है, इसी की जांच में वक्त लगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि दुबई पुलिस इस बात को लेकर मुतमईन हो जाना चाहती थी, आश्वस्त हो जाना चाहती थी कि इस केस के अंदर कोई फाउल प्ले तो नहीं है, क्योंकि श्रीदेवी एक सेलिब्रिटी तो है ही, साथ साथ वो एक फॉरेन नेशनल है दुबई के लिए, वो एक भारतीय नागरिक है और एक भारतीय नागरिक की डेथ हुई है और उसके बाद अगर फैमिली यहां से बॉडी को लेके जाएगी तो उसके बाद इसकी जांच करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो अपनी जांच की जो प्रक्रिया है ताकि आगे भविष्य में कोई सवाल न उठे और दुबई पुलिस की जांच प्रक्रिया को लेकर सवाल न उठे, इसीलिए उन्होंने फॉरेंसिक टेस्ट करवाए। क्योंकि जिस तरीके से जो है डेथ हुई, अचानक से एक्सीडेंटल ड्राउनिंग कहा जा रहा है, लेकिन बाथ टब जैसी जगह के अंदर अगर कोई व्यक्ति डूबता है तो ये एक्सीडेंट अपने आप में बड़ा अनयूजुअल एक्सीडेंट है, क्योंकि बाथ टब में नहाना एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है, तो उसमें अगर डूबने से व्यक्ति की मौत हुई है तो इसको लेके ही बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब अपनी टेस्ट रिपोर्ट के साथ आश्वस्त हो जाना चाहती थी दुबई पुलिस, और इसीलिए इसमें समय लग रहा था कि फॉरेंसिक टेस्ट किए जाए ताकि एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ जो है उसकी टाइमिंग और कॉज ऑफ डेथ को जो है डिटरमाइन किया जा सके। जी, और जो हम पहले बात कर रहे थे प्रणय उपाध्याय कि ट्रिगर जो है वो कार्डियक अरेस्ट ही है, क्योंकि एक्सीडेंटल ड्राउनिंग मतलब कोई आपराधिक मंशा नहीं थी डूबने के पीछे, तो वो ट्रिगर भी मेंशन किया गया है क्या? ये एक पन्ना तो हम पहला देख रहे हैं, इसके पीछे क्या डिटेल रिपोर्ट भी लगी हुई है? जी, डिटेल रिपोर्ट के अंदर इन जो कार्डियक सिचुएशन है उनको भी, चूंकि मायोकार्डियल जो ट्रिगर है उसका भी रेफरेंस इसमें दिया गया है, और लेकिन चूंकि फॉरेंसिक साइंस में एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ जो है वो किसी एक चीज को माना जाता है, ट्रिगर के बहुत सारे रीजंस रहे हो सकते हैं, तो उसमें फिलहाल ये माना जा रहा है, हालांकि जो डिटेल है उसको मेडिकल साइंस के हिसाब से किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा ये डॉक्टर्स ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो डूबना है और एक्सीडेंटली शायद उनका पैर फिसला होगा और पैर जो कार्डिक सिचुएशन है उसमें उनका संतुलन गड़बड़ाया होगा और वो इस तरीके से गिरी जिसमें वो शायद संभल नहीं पाई, उठ नहीं पाई और उस पानी में जो कि टब में भरा हुआ था उसमें ही डूबने से उनकी मौत हुई। अच्छा प्रणय, सुबह से हम क्योंकि इस कवरेज पर बने हुए हैं तो खबरें ये भी सामने आई कि विस्ट्रा रिपोर्ट का भी इंतजार किया जाएगा, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी, ऐसे में ब्लड सैंपल्स भी बताया जा रहा था लिए गए पोस्टमार्टम के टाइम पर, वो रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, क्या कुछ पाया गया खून के अंदर, ऐसी कोई जानकारी जो इस डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया है, मेंशन किया गया है? देखिए, फिलहाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो किसी इंटॉक्सिकेशन की तरफ इशारा नहीं कर रही है, न ही कोई क्रिमिनल जो इंटेंट है उसकी तरफ इशारा कर रही है, ये फोर्स ड्राउनिंग नहीं थी, न ही वो इंटॉक्सिकेटेड सिचुएशन में थी, न ही किसी ड्रग या किसी अल्कोहल या किसी और इन्फ्लुएंस में, जिसे कहा जा सकता है इंटॉक्सिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी कोई फॉरेन सब्सटेंस जो है उसके इंटॉक्सिकेशन में तो व्यक्ति नहीं, तो ऐसे फिलहाल किसी और चीज की और